आप देख रहे हैं यू फॉर यू। इस वक्त हम हैं शालामार हॉस्पिटल में। हमारा समाज किस ओर जा रहा है, इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और जो कहानी मैं आज आपको बता रहा हूँ वो देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक माँ की गुहार है जो पिछले एक साल से यहाँ शालामार अस्पताल में है। हालांकि इनके दो बच्चे हैं जो अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, अपना घर है उनका बना हुआ, वो माँ ने ही बनाया है। लेकिन आज ये माँ मजबूर है यहाँ शालामार में और लोगों के रहमो करम पे है। ये आप देख सकते हैं कि एक साल से यहाँ पे हैं, यहाँ का जो कैंटीन वाला है, जो लोग यहाँ आते हैं इनको देखते हैं, इनकी दुर्दशा, और इनको खाना वाना खिला देते हैं। और जो बिस्तर आप देख रहे हैं, पिछले एक साल से ये माँ यहीं पे रह रही है, अपना गुजारा यहीं कर रही है। टोटली कहा जाए तो जो जिन बच्चों को पाल पोस के उन्होंने इतना बड़ा किया, इतना काबिल किया, उनकी शादियाँ की, आज इस माँ को उन्होंने अकेला छोड़ दिया दर दर की ठोकर खाने के लिए। पहले मैं इन माँ से बात करेंगे कि आखिर माजरा क्या है, क्यों इनको यहाँ पे आना पड़ा जबकि इनके दो बच्चे हैं। आपका नाम क्या है? अमृत कौर। अमृत कौर जी, आप कब से यहाँ रह रहे हैं? एक साल दो महीने हो गए बेटा। यहाँ क्यों रह रहे हो? हम बेटा बेटा मारता, क्या करूँ घर में, वो घर में जाना नहीं देते, घर में घुसने नहीं देते। मेरा बिस्तरा, मेरा कपड़ा, मेरा सब कुछ काट दिया उन्होंने, मेरा कुछ नहीं छोड़ा अंदर। आपके हस्बैंड कहाँ है? मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। कितनी देर होगी उनको? अगले महीने में साल होगी बेटा। तो हस्बैंड के एक साल की डेथ के बाद ही उन्होंने आपको घर से निकाल दिया, साथ साथ ही निकाल दिया? मैंने जाने नहीं दिया, मुझे घर, मुझे पता नहीं दिया उन्होंने कि मर गए हैं। मुझे एक महीने के बाद पता चला, फिर मैं गई घर, बोलता आपका क्या, इधर क्यों आई है, इधर किस लिए आई है? मैं क्या करूँ बेटा, उनको अंदर कमरे में बंद किया था, उनके साथ मेरी बात नहीं करने देते थे, मैं क्या करती उधर बेटा? बेटा मैं आपको सुनाती हूँ, सब दुनिया सुन रही है। बेटा मुझे मारता था और बहू उसको बोलती थी कि माँ को अंदर ले जा, माँ के पीछे बाजू पीछे बांध कर, मुँह बांध कर माँ का, और मुझे मेरे पीछे में मर्ची डालता था बेटा। अभी मैं घर नहीं छोड़ती थी बेटा, इसलिए छोड़ा मैंने घर, क्या करूँ बेटा, ये पीछे मर्ची डालता था, बर्दाश्त होती है? क्यों डालता था बेटा? क्यों डालता था? इसलिए डालता था बेटा, बेटा बहू बोलती थी बेटा डालता था, इसलिए इसलिए मुझे करते थे ऐसे कि ये डर के घर छोड़ जाएगी, पापा के नाम जो पैसा हम निकाल देंगे। उन्हें निकाल दिया पैसा भाई, उन्हें मुझे इसलिए मारती है कि जमीन का साइन, एक दिन आई थी मेरे पास, कागज पर साइन कर दे, जमीन मेरी है तेरी नहीं है, तेरा कुछ नहीं है घर में, मैं जमीन भी वो ले लेगी, मकान भी वो ले लेगी, पैसा भी वो ले लेगी, मैं बेटा मैं कहाँ से खाऊंगी खाना? वो मकान किसने बनाया, आपके हस्बैंड ने बनाया? हाँ मैं बनाया बेटा। कहाँ पे रहते हो आप, कौन सी जगह पे? सिंबल कैंप वार्ड नंबर एक। तो आप किसी पुलिस के पास गए, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई? बेटा इधर चौकी पर भी रिपोर्ट हुई है मेरी, इधर बाहर, और मेरा साहब जाती है, मेरा साहब का जो चौकी अफसर ना सरदार गाड़ीगढ़ का है, दो तीन बार गई हूँ, तो जो बाहर मुंशी होता ना वो होता है माँ पागल है, इसको पता नहीं चलता, ये आ जाती है रोज। मैं उनको बोला मैं पागल हूँ, अगर पागल हूँ तो मैं आपके पास आऊँ जी, मैं हॉस्पिटल में बैठ के खाना खा सकती हूँ, मैं पागल हूँ? तो आपके और रिश्तेदार भी होंगे, जिस तरह से मामा चाचा ताया मासी जो भी होता है, जो आपके रिश्तेदार हैं, वो इसमें इंटरवीन नहीं करते, वो नहीं दखलंदाजी करते? बेटा वो इसलिए नहीं करते ना, वो बोलते हैं कि तो आप घर छोड़ के कहीं नहीं जाना, मैं घर नहीं छोड़ती हूँ तो मुझे मारते हैं वो, मैं क्या करूँ बेटा? जो आस पास के पड़ोस वाले हैं वो कुछ नहीं बोलते? पड़ोस वाले सब बड़ा, उन्होंने बहुत बोला बेटा, बड़ा समझाया उसको, मेरी बहू को, वो समझती नहीं है, वो नहीं समझती। एक दिन इधर आई थी बेटा, आप कंटीन वाला बाबू नहीं आया, नहीं मैं आपको उसे बात करवाती, इतनी बातें बोली उसने कोई साहब नहीं, मुझे लेने के लिए थोड़ी आई थी, मुझे धमकाई देने के लिए नहीं आई थी। क्या धमकी देने आई थी? ये धमकी देती थी कि ये डर जाएगी तो घर नहीं आएगी, तो मैं जमीन बेच डालूंगी और क्या करूंगी, एक नाल बेच दी उसने। तो अब यहाँ आपको खाना वाना कौन खिलाता, कैसे रहते हो यहाँ? खाना वाना बेटा लोग खिला देते, मैं मांगती नहीं हूँ किसी से, सबको पता मुझे दे देते हैं सब, बाकी मैं कोई चीज किसी से मांगती नहीं हूँ, ना पैसा किसी से मांगा ना कुछ मांगा, खाना जिसको पता चलता वो मुझे खिला देता है। जिस कम्युनिटी को आप बिलोंग करती हैं, आप सिख फैमिली से आती हैं, सिख फैमिली के लंगर चलते हैं, लोगों को वो शेल्टर देते हैं, खाना देते हैं, रहने की जगह देते हैं, बड़ा खालसा एड चल रही है, आप उनको अप्रोच नहीं किया आपने? मैं बेटा गई नहीं, एक गड्डी आने गई थी बस, और किधर नहीं गई, मुझे पता कि गुरुद्वारे में रहने नहीं देते, रात को मैं कहाँ जाना, फिर मुझे ठिकाना मिल गया, मैं इधर बैठ गई। आप आश्रम के महंत साहब हैं, उनके पास गए थे? हाँ उनके पास भी गई थी। उनसे बात हुई आपकी? उनसे मेरी बात नहीं हुई, दो तीन बार गई हूँ मैं, तीन बार वो कभी नेपाल होते हैं, कभी पुंछ होते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, उनसे बात नहीं, जो लड़का है ना उधर पवन, उनसे बात हुई थी मेरी, पाँच छः दिन में रही उधर, फिर उनसे मुझे निकाल दिया कमरे से।
बोला मां जी अकेली औरत इधर रह सकती है, फिर मैं आ गई इधर, बेटा क्या करना था मैंने। खालसा एड के जो लोग इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, आप इसमें इंटरवीन कीजिए, ये एक सिख कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं और इस वक्त बुरी हालत में है, उसी पे बात करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। कुछ लोग भी यहाँ पे हैं जो काफी लंबे समय से इस माता के साथ हैं। सर आपका नाम? सर पवन। पवन जी ये कब से यहाँ पे हैं? एक साल से ऊपर हो गए। तो किस तरह से आप लोग हेल्प करते हैं इनकी? माता को चाय ही पिलाते, खाना ही खिलाते, बाकी कोई काम हो जाए हम बोलते भी कोई बताओ काम है। तो इतनी सर्दी होती है, गर्मी होती है, यहीं रहते हैं ये? हाँ जी इधर रहते हैं। तो कभी ऐसा भी होता होगा कि किसी दिन इनको कोई आप ना आए या कोई ना आए, खाना ना मिले, भूखे पेट ही सोना पड़ता होगा? हाँ जी सर, बाकी और दुनिया होती है वो खवा देती है। तो कभी कोई घर से कोई लेने आया इनको? हाँ जी आया था थोड़े दिन पहले, कोई दो हफ्ते पहले आए थे, इसका बेटा और नौ आए थे। क्या बोला उन्होंने? एहो माता बोलती मेरे पैसे आए थोड़े ते इसलिए वो आए मुझे लेने के लिए। हमने बोला ठीक है, तो बाबू है इधर तो बोलने लगा भी चलो बुलाएंगे उनको, फिर वो आए नहीं। आप लोगों ने कोशिश नहीं की उनसे बात करने की घर वालों की कि आखिर माजरा क्या है? सर वो क्या, दो बजे मैं चले जाता हूँ घर पे, तो आते हैं शाम को आते हैं भैया लेने, एक पे हमला ही हुआ बोल रहे मुझे मारने के लिए आए यहाँ पे। हाँ जी तीन लोग आए थे। तो आपने देखा उनको जब मारा? मैंने नहीं, ये दुनिया बहुत बोलने लगी थी माता को मारने के लिए आए थे, तो मैंने सुबह आके पूछा, बोलती मेरे बेटे ने पता नहीं भेजा उनको, तो ऐसी बात हुई। आज समझ सकते हैं ये माजरा है, हमने माँ से बात की, काफ़ी दुखी हैं वो, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि एक साल से वो यहाँ पे हैं और लोगों के रहमो कर्म पे पल रही हैं, सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो उनको यहीं रहना पड़ता है, हालांकि अपना घर है, दो बेटे हैं। आप समझ सकते हैं कि एक बेटी की कमी कितनी महसूस हो रही है, अगर इस माँ की एक बेटी होती तो शायद ये माँ दर बदर नहीं होती। लोग बेटी को गर्भ में ही मार देते हैं, आज उसकी वैल्यू पता चलती है कि दो बेटे हैं इनके, अच्छा कमाते हैं अच्छा खाते हैं, फिर भी माँ दरबदर है, अगर बेटी होती तो शायद ये हालात नहीं होते। यहाँ ये कैंटीन वाले हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार है। अजय कुमार जी कब से ये माँ यहाँ पे है? ये कम से कम 15 महीने हो गए इधर रहती हूँ, इधर चाय पीती है, इधर किसी से खाना मांग कर खाती है, खाने के लिए इधर पैसे नहीं है, चाय पीने के लिए इसके पास जगह नहीं है, इधर रहने के लिए किसी के पास इधर रहती है, बिस्तरे हमें दिए, बर्तन हमने दिए थे खाने का, खाना खाने के लिए चाय इधर हम पिलाते थे। तो कोई घर से लेने आता है, कोई बोल रहा है कि इसकी नूँह आई थी, लड़का आया था, बोल रहे थे जाने के लिए, ये बोल रही हमें 15 लाख मिला है और 5 लाख रुपये जो रिफ्यूजी को मिला है, बोलती हम घर जाएंगे पैसे ले लेंगे हमारे से, हमें फिर बाहर निकाल देंगे। वो पैसा माँ के पास है अभी अकाउंट में? अभी क्या पता पैसा मिला नहीं मिला, ये बोलती पैसा मिल गया हमें। हाँ इसके भाई भी आया था और इसकी नूँह भी आई थी लेने। कुछ लोग बता रहे हैं कि माँ के साथ कुछ मार पिटाई भी हुई कुछ देर पहले यहाँ? इधर तो नहीं हुई हमारे पास, इधर कोई हम नहीं देंगे, इधर हमारे पास 15 महीने हो गए रहते हुए, इधर से हम चाय पिलाते हैं, सब कुछ हम खिलाते पिलाते हैं, खाना किसी से ले लेते हैं हमारे पास, हम खिला देते हैं। कोई ऐसा तो नहीं थोड़ा मेंटली अपसेट हो वो? नहीं नहीं वो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आपको लगता है कि घर में इनके साथ मार पिटाई होती है? वो क्या पता, घर में मारी मुटी होती रहती है सभी के साथ, तो क्या पता लड़कों ने बाहर निकाला होगा इनको, गलत है कहीं ना कहीं, गलत मैसेज है। माँ से बड़ी क्या चीज़? बहुत माँ से, माँ से भगवान का रूप होता है, जिसने बच्चे को जन्म, माँ ने बच्चे को जन्म दिया, और बच्चे का काम है माँ बाप की सेवा करना। आप समझ सकते हैं इस माँ की हालत, ये माँ एक बार मैं फिर बता दूं, पिछले एक साल से ज्यादा हो गया है कि ये माँ यहीं पे है, शालामार हॉस्पिटल की कैंटीन के बिल्कुल बाहर बैठी है। जो खालसा एड के लोग अगर इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, सिख समुदाय के लोग इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, वो खुलकर सामने आए, क्योंकि क्योंकि सिख समुदाय के लोग जो हैं हर किसी की ना धर्म देखते हैं ना जात ना पात, हर किसी की हेल्प करते हैं। उन्हीं की कम्युनिटी की एक जो माँ है वो आज यहाँ पे दर बदर हैं। अगर आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं इसमें जरूर इंटरवीन कीजिए, ये मामला है शालामार हॉस्पिटल का और पिछले एक साल से ये माँ यहाँ पे ही है। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, यू फॉर यू के लिए।